पहले से अधिक मेजॉरिटी के साथ इस बार बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट यहाँ पर बनने जा रही है। रिजर्वेशन समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यह सारी विपक्षी पार्टियाँ देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं और जितनी भी सर्वेक्षण एजेंसियां हैं इस बात का दावा कर रही हैं कि इस बार भी पहले से अधिक मेजॉरिटी के साथ इस बार बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट यहाँ पर बनने जा रही है। 400 का संकल्प जो हम लोगों ने निर्धारित किया है बीजेपी नेतृत्व की एनडीए का, उस 400 के लक्ष्य प्राप्त करने की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर, उन्होंने उसी प्रेस वार्ता में एक बात और बोली कि अगर भाजपा कल को वापस आती है सरकार में तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा और जो इलेक्शन का प्रोसेस ये भी खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं होगा। आज जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही है वह आरक्षण की व्यवस्था यथावत चलती रहेगी। इसे केवल मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात के को लेकर जो है देशवासियों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है। यह सारी विपक्षी पार्टियाँ देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। मेरा यह मानना है कि सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर सार्थक राजनीति की जा सकती है, और बराबर अब तक इन लोगों ने देश की जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करने की इन लोगों ने कोशिश की है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी भारत की राजनीति में पैदा करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो यही लोग जिम्मेदार हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगी। और भारतीय जनता पार्टी देश की अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जो कुछ भी है इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम लोगों ने कहा है अक्षरशः गवर्नमेंट बनने के बाद उसे पूरा किया है। सर, संविधान को लेकर काफ़ी टिप्पणी भी बोला था और इधर केजरीवाल जी ने बोला कि भाजपा आएगी तो संविधान खतरे में है, खत्म हो जाएगा। संविधान में सर्वाधिक यदि संशोधन परिवर्तन निकिशियात इन लोगों ने किया है, यहाँ तक कि संविधान की जो आत्मा होती है उसके बारे में हमारी संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों का यह एक मत था कि संविधान में संशोधन थोड़े बहुत जो भी समय पर हो सकते हैं समयानुसार होते रहते हैं, लेकिन उसकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, प्रियम्बल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब संविधान के प्रियम्बल को कहा है, यह संविधान की आत्मा है, उसमें चेंज करने का काम 76 में भी किसी ने किया है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है। इंदिरा जी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अनावश्यक बेबुनियाद और निराधार इस प्रकार के आरोप हमारी सरकार का हमारी पार्टी के ऊपर चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं या केवल देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? एज को लेकर मेरी बात आप सुन लो। आप इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो और एक सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जिसको लेकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल फॉर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि जो भारत 2014 तक इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर मोदी जी के शासनकाल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 2027 आते आते वह दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर होगा, यानी अमेरिका और चाइना के बाद भारत होगा अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो। यानी भारत तो बड़ी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम महाशक्ति बनना चाहते हैं तो किसी को धमकी देने के लिए महाशक्ति नहीं बनना चाहते हैं। हम महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हमारे देश के ऋषियों और मनुष्यों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है, क्योंकि हम भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए ही हमारे ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है।
और धर्म के आधार पर भी भेदभाव का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है वह सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं।